अपनी ही गर्भवती पत्नी को मारी 3 गोलियां। दहेज में 50 सोने की अंगूठी मांग कर रहा था दरोगा। मामला झांसी के उलधन थाना का है, जहां दरोगा ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से अपनी गर्भवती पत्नी को 3 गोली मार दी और फरार हो गया। दरोगा की सास का कहना है कि दहेज में 25 लाख कैश दिया था और 50 सोने की अंगूठी मांग रहा था। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। दरोगा की पत्नी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे 3 गोलियां लगी हैं। शुरू जांच में घरेलू विवाद में गोली मारने की वजह सामने आई है। उधर दरोगा की करतूत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोपी दरोगा की सास ने कहा कि दहेज में 25 लाख रुपया कैश दिया था, फिर भी वो 50 सोने के अंगूठी की मांग कर रहा था। पूरा मामला उलधन थाना की बंगरा चौकी का है, जहां चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोली मार दी, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल हालत में उसे पत्नी झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है चौकी इंचार्ज शशांक मिश्रा की पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था। बीती रात को भी कहा सुनी हुई, जिसके बाद शशांक ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पत्नी को 3 गोलियां मार दी। इसके बाद वो फरार हो गया। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी दरोगा शशांक मिश्रा की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।